हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इडू फाइल। आज के इस वीडियो में हम लोग बॉर्न ओपेनहाइमर एप्रोक्सीमेशन के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। यहां पे हम लोग इसके फुल कॉन्सेप्ट, फुल डेरिवेशन को समझेंगे, जो कि स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और हम लोग इसके नोट्स को भी देखेंगे जो कि आपके एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होगा। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि इसका यूज कहाँ पे होता है और ये क्यों आया। तो देखिए, इसका यूज होता है वो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में होता है। मॉलिक्यूल के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करना आसान नहीं है, जैसा कि हम लोग एटम के स्पेक्ट्रम को करते हैं। अब एटम में हमें पता है सिंपली कि एटम में, जैसे कि मान लीजिए हम लोग उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देख लेते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2, इस तरीके से अगर मान लेते हैं हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पर ट्रांजिशन हो रहा है, तो हमें क्या मिलता है, हमें लाइन मिलता है, कुछ लाइन मिलती है इस तरीके से, तो उससे हमें क्या मिलता है, स्पेक्ट्रम मिलता है। तो ये हमें एटम के केस में इस तरीके से, जब हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में जब हमारे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है, तो हमें क्या मिलता है, स्पेक्ट्रम मिल जाता है एटम के केस में। लेकिन मॉलिक्यूल में क्या होता है, ऐसा सिंपल एनर्जी लेवल नहीं होता है। हमें पता है मॉलिक्यूल जो होता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स होते हैं, वो एटम के कॉम्बिनेशंस होते हैं। तो मॉलिक्यूल में आप ऐसे सिंपली E1 E2 E3 नहीं कर सकते। वहां पे मॉलिक्यूल का जो एनर्जी लेवल होता है, भाई इसमें भी स्पेक्ट्रम बनेगा मॉलिक्यूल में भी, लेकिन इसका जो एनर्जी लेवल होता है, जैसे एटम में एनर्जी लेवल होता है इस तरीके से, एनर्जी लेवल, ये एनर्जी लेवल है, एनर्जी लेवल जो इसके होते हैं वो काफी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, काफी ज्यादा क्या होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड। तो वहां पे हम लोग कुछ अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं जिसको बॉर्न ओपेनहाइमर ने दिया था, इसको हम लोग बीओ अप्रोक्सीमेशन शॉर्ट में कह सकते हैं। तो वो क्या अप्रोक्सीमेशन है, इसको समझने के लिए पहले हम मॉलिक्यूल्स की थोड़ी सी स्टडी करते हैं, मतलब इसमें स्पेक्ट्रोस्कोपी में मॉलिक्यूल की स्टडी। तो देखिए, जैसे मान लेते हैं हमारे पास अभी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, पहले हम लोग सिंपल लेते हैं। तो सिंपल मतलब क्या, डाई एटॉमिक मतलब जिसमें दो एटम है, तो दो एटम होते हैं तो इस तरीके से मॉलिक्यूल होगा भाई, न्यूक्लियस होंगे और इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस तरीके से। तो हमें पता है कि न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच की जो दूरी होती है उसको हम लोग इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कह सकते हैं, और इस एक्सिस को हम लोग क्या कहेंगे, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, क्या कहेंगे, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, मतलब न्यूक्लियर के बीच की जो होगी उसको इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, और जो एक्सिस मिलेगी हमें उसको इंटर न्यूक्लियर एक्सिस कहेंगे। अब यहां पे देखिए होता क्या है कि इसमें एनर्जी लेवल कैसे बनता है, ये आपको समझना होगा मॉलिक्यूल में। हमें एटम में तो पता चल गया एनर्जी लेवल कैसे मिलता है, इसमें कैसे होता है। तो इसमें देखिए कई तरीके से एनर्जी लेवल मिलते हैं। पहली चीज तो ये है, देखिए ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, और तो क्या होगा, ये सिमेट्रिकल होगा। सिमेट्रिकल होगा तो इसका एक पर्टिकुलर एंगुलर मोमेंटम होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, तो वो हमें मिल जाएगा। और दूसरी चीज क्या है कि ये जो न्यूक्लियस है वो क्या करते रहते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं अलोंग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। तो यहां पे क्या होगा, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल भी होगा, क्या होगा, एक वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल होगा। और दूसरी चीज ये है कि इसका एक सेंटर ऑफ मास होता है, तो ये सेंटर ऑफ मास से रोटेशन भी करता है ये मॉलिक्यूल, तो इसका एक रोटेशनल एनर्जी लेवल्स भी होंगे। तो यहां पे आप देख सकते हैं काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड एनर्जी लेवल्स यहां पे मौजूद है। और यहां पे तो सिंपल आपको एनर्जी लेवल मिल जाते थे एटम में, लेकिन यहां पे काफी कॉम्प्लिकेटेड एनर्जी लेवल है। एक तो एंगुलर मोमेंटम का केस है, दूसरा है वाइब्रेशनल, तीसरा है रोटेशनल। अच्छा ठीक है, तो अब ये सब मिलते कैसे हैं, ये हमें जानना है। तो ये सब देखिए हमें मिलते हैं इंटरेक्शन की वजह से। किसके वजह से, इंटरेक्शन, न्यूक्लियस और न्यूक्लियस में इंटरेक्शन होता है, तो वाइब्रेशनल हम कह सकते हैं। और यहां पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में इंटरेक्शन होता है, और भी काफी सारी चीजों में इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में इंटरेक्शन होता है। तो ये सारी इंटरेक्शन की वजह से मुझे मिलता है ये सारी चीजें, इतने सारे एनर्जी लेवल्स हमें मिलते हैं। तो यहां पे देख सकते हैं आप एनर्जी लेवल क्या होगी, काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड। और यहां पे देखिए क्या होता है कि हम लोग न्यूक्लियस के मोशन को इग्नोर नहीं करते हैं, तभी तो हमें यहां पे वाइब्रेशनल मिल रहा है। तो न्यूक्लियस के मोशन को हम लोग इग्नोर नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग एटम के केस में क्या करते थे, जब एटॉमिक लेवल पे एटम का स्पेक्ट्रम जो पढ़ते थे, तो हम लोग इग्नोर कर देते थे कि भैया हटाइए न्यूक्लियस को, आप न्यूक्लियस के मोशन को आप हटाइए। लेकिन यहां पे आप देख सकते हैं कितने सारे चीजें हैं, कितनी सारी कॉम्प्लिकेशन है। तो इन सारी चीजों के वजह से ही इनको देना पड़ा कि कैसे हम सॉल्व करें इसके एनर्जी, मतलब आइगन जो प्रॉब्लम होती है, हैमिल्टोनियन जो होता है वो कैसे सॉल्व किया जाए, इसी के लिए ये दिया गया है। तो ये आप समझ लीजिए, इतने सारे एनर्जी लेवल होते हैं, अलग अलग तरह के एनर्जी होती है, तो इसीलिए हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आई होप इतना बेसिक्स क्लियर होगा, बेसिक से इंपॉर्टेंट होता है, बाकी ये सारी चीजें मैथ्स तो आपको समझ में आ जाएंगी। अब हम लोग समझ लेते हैं इसको। तो देखिए, बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन जो है वो एक अजम्पशन है कि इलेक्ट्रॉनिक मोशन, भाई इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है कि नहीं होता है वो तो हमें पता है, न्यूक्लियर मोशन मॉलिक्यूल में कैन बी सेपरेटेड, उसको हम लोग देखिए, अब इलेक्ट्रॉन का मोशन है, न्यूक्लियस के मोशन है, दोनों के मोशन की वजह से ही अलग अलग एनर्जी लेवल्स मिलेंगे, जिससे हमारा प्रॉब्लम क्या होगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो बॉर्न और ओपेनहाइमर ने क्या कहा कि
न्यूक्लियर के मोशन को और इलेक्ट्रॉन के मोशन को जो हम लोग सॉल्व करेंगे उसको हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग सॉल्व करेंगे. कैन बी सेपरेटेड अलग अलग, इन दोनों को अलग अलग. इट लीड टू ए मॉलिकुलर वेव फंक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पोजिशन एंड न्यूक्लियर पोजिशन. इससे हमें मॉलिकुलर वेव फंक्शन मिलेगा. अभी तक तो हमें वेव फंक्शन साई मिलता था सिंपल वाला, लेकिन अब हमें मॉलिकुलर मॉलिक्यूल का वेव फंक्शन मिलेगा जिसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन के पोजिशन और न्यूक्लियर के पोजिशन को कंसिडर करेंगे. तो अब इनका अप्रोक्सीमेशन आपको समझ में आया कि हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक मोशन न्यूक्लियर मोशन के मॉलिक्यूल को अलग अलग कर सकते हैं. ये है. अब यहाँ पे दोनों एजम्पशन को आप समझिए, यहाँ पे डिटेल में समझिए, फिर डेरिवेशन करेंगे तो और समझ में आएगा. तो पहला है क्या कि भैया हमें श्रोडिंगर इक्वेशन किसी भी चीज की सॉल्व करनी होती है, तो फर्स्टली द वेव इक्वेशन फॉर द इलेक्ट्रॉनिक मोशन अलोन इज सॉल्व. हम सॉल्व करेंगे, सिंपल सी बात है, लेकिन उसमें न्यूक्लियर कोऑर्डिनेट अपियर करेगा. ये याद रखिएगा, न्यूक्लियर कोऑर्डिनेट क्या करेगा, अपियर करेगा. इलेक्ट्रॉन के वेव वेव इलेक्ट्रॉन के हम लोग मोशन को सॉल्व करेंगे, लेकिन उसमें न्यूक्लियर का कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा. अब कैसे आएगा वो तो सॉल्व करने पता चलेगा. फिर नंबर टू है, वेव इक्वेशन फॉर द मोशन ऑफ न्यूक्लियाई अलोन इज सॉल्व. न्यूक्लियस के हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन इसमें क्या होगा कि आइगन वैल्यू इलेक्ट्रॉन का आ जाएगा. तो ये देखिए, हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का मोशन का सॉल्व कर रहे हैं, तो न्यूक्लियर के कोऑर्डिनेट अपियर कर रहे हैं एक पैरामीटर की तरह. लेकिन जब हम लोग क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियस का सॉल्व कर रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन का इक्वेशन मिल रहा है. तो ये दोनों में है, यही है बीओ अप्रोक्सीमेशन, बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन. तो बहुत ही सिंपल है, आई होप आपको ये दोनों क्लियर होंगे अच्छे से. ये हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मोशन को सॉल्व कर रहे हैं तो हमें न्यूक्लियर कोऑर्डिनेट मिलेंगे, और हम लोग न्यूक्लियर मोशन को सॉल्व करेंगे अकेला तो हमें इलेक्ट्रॉनिक कोऑर्डिनेट इलेक्ट्रॉनिक इक्वेशन मिलेगा, सिंपल सी बात है उसी में. तो अब देखते हैं कैसे, तो इस अप्रोक्सीमेशन को चलिए सॉल्व करते हैं. तो यहां पे हम लोग सॉल्व करते हैं, लेट अस फॉर्मुलेट दिस अप्रोक्सीमेशन. द कंप्लीट हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, हैमिल्टोनियन पता है आपको, अगर नहीं पता है तो मैं आपको यहां पे बता देता हूं. देखिए हैमिल्टोनियन जो होता है वो होता है टोटल एनर्जी, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी पी स्क्वायर बाय टू एम एंड प्लस पोटेंशियल एनर्जी. क्लियर है. तो अब ये जो होगा, पी जो होता है ऑपरेटर ही तो होता है, ये होता है माइनस आई एच कट डेल, ये होता है. अब यहाँ पे आप लोग यूज करते होंगे माइनस एच बाई टू पाई, आई एच कट को, एच कट को एच बाई टू पाई लिखते हैं ये, लेकिन पी स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस आई एच बाई टू पाई और यहाँ पे डेल हो जाएगा. क्लियर है, स्क्वायर कर दीजिए तो हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर एच स्क्वायर फोर पाई स्क्वायर और डेल स्क्वायर हो जाएगा. सिंपल, अभी मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ. ये पी ऑपरेटर की वैल्यू यहाँ पे हमें रखनी है, ये पी ऑपरेटर क्वांटम मैकेनिक्स में आपको पता है ऑपरेटर होता है ना. अब यहाँ पे आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन आयोटा है ये, तो माइनस एच स्क्वायर बाई फोर पाई स्क्वायर डेल स्क्वायर ये आ जाएगा. अब यहाँ पे आप पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस एच स्क्वायर बाई फोर से ए टू का मल्टीप्लाई एट पाई स्क्वायर एम और यहाँ पे डेल स्क्वायर एंड प्लस वी, ये आपको मिलेगा हैमिल्टोनियन. हैमिल्टोनियन आपको पता है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल. तो यहां पे देखिए द कंप्लीट हैमिल्टोनियन ऑपरेटर दिस, ये आपको मिल चुका है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर फॉर ए मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ, ये तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर हमने लिख दिया है, जनरली ऐसे होता है, काइनेटिक एनर्जी ये है, ये पोटेंशियल एनर्जी है, पता चल गया आपको ये, आई होप. अब यहां पे देखिए फॉर ए मॉलिक्यूल, अब हम मॉलिक्यूल ले रहे हैं जिसमें अल्फा न्यूक्लियस है, अल्फा नंबर ऑफ न्यूक्लियस. अब हमें क्या पता अल्फा कितने हो सकता है, मॉलिक्यूल में चार पांच न्यूक्लियस है, छह न्यूक्लियस है, दस न्यूक्लियस है, कितने भी हो सकते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स. तो हम मानते हैं कि अल्फा नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है और आई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये हम मान रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा होंगे न्यूक्लियस भी ज्यादा होंगे मॉलिक्यूल्स में. तो हैमिल्टोनियन क्या हो जाएगा उनका, तो हैमिल्टोनियन हम लोग किसके लिए लिखेंगे, न्यूक्लियस के लिए और इलेक्ट्रॉन के लिए. तो ये है हमारा किसके लिए, ये है हमारा न्यूक्लियस के लिए, क्योंकि हमने अल्फा माना है. तो यहाँ पे क्या होगा, मास आ जाता है, आपको पता है, देखिए यही है हैमिल्टोनियन. तो यहाँ पे मास में एम अल्फा लगा देंगे न्यूक्लियस का और डेल अल्फा स्क्वायर हो जाएगा. क्लियर है. अब इसका हम लोग लिख देते हैं इलेक्ट्रॉन का पहले काइनेटिक एनर्जी, तो ये माइनस यहाँ पे लगेगा क्योंकि माइनस होता है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मास केवल एम होता है और यहाँ पे आई लिख देंगे. इस तरीके से हमने ये किसका लिखा है, न्यूक्लियस का क्या, काइनेटिक एनर्जी. ये तो काइनेटिक, ये काइनेटिक एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी, तो ये न्यूक्लियस का काइनेटिक एनर्जी और ये इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी. क्लियर है. अब पोटेंशियल एनर्जी देखिए कितने तरीके होंगे, पोटेंशियल एनर्जी होगा वी एन एन और वी एन ई वी डबल ई. अब ये कैसे हो गया पोटेंशियल एनर्जी, तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यूक्लियस और न्यूक्लियस में इंटरेक्शन हो रहा है तो वी एन एन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन में इंटरेक्शन हो रहा है तो वी एन ई एक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में इंटरेक्शन हो रहा है तो वी ई ई एक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा. तो ये पोटेंशियल एनर्जी है और ये काइनेटिक एनर्जी है, ये हमारे न्यूक्लियस की है और ये इलेक्ट्रॉन्स की. क्लियर है. अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म रिप्रेजेंट द काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर ऑफ ऑल द न्यूक्लियाई विद मासेस एम वन एम टू डॉट डॉट अल्फा, ये हमने लिखा. सेकंड टर्म रिप्रेजेंट द काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स का रिप्रेजेंट कर रहा है और ये मैंने आपको बता दिया वी एन एन, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, थोड़ा टाइम सेव करना है. राइजिंग फ्रॉम न्यूक्लियर 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 इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन रिस्पेक्टिवली, तो ये सारी चीजें हैं.
अब टोटल आइगन फंक्शन साई एंड द टोटल आइगन वैल्यू ई आर गिवन बाय द वेव इक्वेशन। तो हम हैमिल्टोनियन को आपको पता है कैसे लिखते हैं, हैमिल्टोनियन एच साई इज इक्वल टू ई साई होता है, ये हमें पता है भाई, जनरल तरीके से ऐसे ही तो लिखा जाता है। हैमिल्टोनियन एच जब हम ऑपरेट कर रहे हैं साई पे तो हमें क्या मिल रहा है, आइगन वैल्यू ई मिल रही है और साई मिल रहा है। व्हेन द न्यूक्लियस, अब देखिए ये हमारा इक्वेशन है किसके लिए, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन दोनों को हम साथ में सॉल्व कर रहे हैं, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दोनों को साथ में सॉल्व कर रहे हैं। अब हम अलग अलग करते हैं, क्या करते हैं अलग अलग, यहाँ पे हम लोग मॉलिक्यूल के न्यूक्लियर मोशन और इलेक्ट्रॉन मोशन को साथ में सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन हमें अलग अलग करना पड़ेगा। तो अलग अलग करने के लिए हम लोग क्या एज्यूम करेंगे, हम लोग एज्यूम करेंगे न्यूक्लियस जो है वो फिक्स पोजिशन में है, तो फर्स्ट टर्म इन इक्वेशन वन इज जीरो, तो ये क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, और द टर्म VNN भी जीरो हो जाएगा क्योंकि न्यूक्लियस जब फिक्स है, फिक्स पोजीशन पे है तो कोई इंटरेक्शन नहीं, तो VNN क्या हो जाएगा यहाँ पे जीरो हो जाएगा, VNN क्या हो जाएगा सॉरी कांस्टेंट हो जाएगा, इंटरेक्शन तो होगा, VNN क्या होगा कांस्टेंट हो जाएगा, सॉरी VNN क्या होगा कांस्टेंट होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा गलत हो सकता है। सो दैट द हैमिल्टोनियन फॉर द इलेक्ट्रॉन वुड बी, तो इलेक्ट्रॉन के लिए हैमिल्टोनियन क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है भाई, आपको ये वाला टर्म लेना है, ये वाला टर्म लेना है और ये वाला टर्म लेना है, ये तो कांस्टेंट रहेगा ना क्योंकि न्यूक्लियस और न्यूक्लियस को हमने फिक्स मान लिया है, तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के बीच में इंटरेक्शन और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में इंटरेक्शन, ये तो ये है हमारा हैमिल्टोनियन किसके लिए, आपका इलेक्ट्रॉनिक मोशन के लिए, तो ये है आपका हैमिल्टोनियन, क्लियर है बात। अब आगे बढ़ते हैं, द इलेक्ट्रॉनिक आइगन फंक्शन साई, भाई इलेक्ट्रॉनिक के आइगन फंक्शन को हम साई लिखेंगे एंड द करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनिक आइगन वैल्यू जो हमें मिलेगी, देखिए अब हम लोग इलेक्ट्रॉन के हैमिल्टोनियन को लिखेंगे एच ई को, इसके हम इस तरीके से लिख सकते हैं एच ई साई, ऑपरेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा आइगन वैल्यू ई डैश साई मिल जाएगा, ये तो सिंपल हमें इक्वेशन मिलती है हैमिल्टोनियन पे, आपको पता है जैसे हमें ये टोटल का मिला था वैसे हमने इलेक्ट्रॉन का अलग से लिख दिया, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का हमने अलग से लिख दिया। अब हम लोग रिमेनिंग टर्म को भी लिख सकते हैं इक्वेशन वन के, इक्वेशन वन के जो भी रिमेनिंग टर्म है ये हम यूज कर चुके हैं, तो हम न्यूक्लियस का जो मोशन बचा है उसको तो आप लिखिए, तो न्यूक्लियस का जो मोशन है उसको हम लोग एच एन से चलिए रिप्रेजेंट कर देते हैं रिमेनिंग टर्म को, और यहाँ पे ये बचा है ये वाला टर्म बच गया है जो कि न्यूक्लियस के मास को रिप्रेजेंट करता है एम अल्फा और डेल अल्फा स्क्वायर एंड प्लस वी एन एन जो न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच में इंटरेक्शन को दिखाता है पोटेंशियल एनर्जी, इक्वेशन फाइव कह देंगे। तो टोटल हैमिल्टोनियन हमारा एच इज इक्वल टू एच एन प्लस एच ई होगा, हमने अलग अलग इन दोनों को लिख दिया है, एच जो होगा क्या होगा एच एन प्लस एच ई, क्लियर है ये। नाउ फॉलोइंग बॉर्न एंड ओपन हैमर लेट अस मेक, अब हम लोग इनका यूज करेंगे रूल का, लेट अस मेक द अजम्पशन दैट द आइगन फंक्शन साई फॉर द होल सिस्टम में बी एक्सप्रेस्ड एज, अब हम लोग मानेंगे कि जो आइगन फंक्शन है साई उसको हम लोग एज अ प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेव आइगन फंक्शन एंड न्यूक्लियर आइगन फंक्शन के प्रोडक्ट के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, ये हम लोग मानेंगे, वेयर साई इज अ फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ बोथ द न्यूक्लियाई एंड द इलेक्ट्रॉन एंड साई एन जो है वो न्यूक्लियस के बीच का जो है वो न्यूक्लियस के कोऑर्डिनेट के बीच का है, ये साई जो है वो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के कोऑर्डिनेट के बीच का है और साई एन जो है वेव फंक्शन है वो किसके बीच का, न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच का। तो सिंपल सी बात है हम लोग टोटल आइगन फंक्शन को क्या लिख सकते हैं, साई इंटू साई एन का प्रोडक्ट लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, साई मतलब जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बीच में इंटरेक्शन दिखा रहा है और साई एन जो है न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच में, तो सिंपल सी बात है यहाँ पे याद रखिएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे एच साई साई के जहाँ पे हम लोग लिखेंगे साई इंटू साई एन, ई साई इंटू साई एन लिख सकते हैं भाई, इसके देखिए यहाँ पे इसके जहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, तो ये इसको जल्दी जल्दी समझते हैं आप। तो अब यहाँ पे ये हमने लिख दिया, तो अब क्या होगा, अब जो हमारा इक्वेशन होगा जो हमने यहाँ पे बनाया था हैमिल्टोनियन, तो इसको हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे वेव फंक्शन अपना लगा देंगे यहाँ पे साई साई एन, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा साई इंटू साई एन एंड प्लस यहाँ पे जो हमारा तीनों टर्म है इसको हम लिखेंगे और साई इंटू साई एन हम लिखेंगे और इज इक्वल टू क्या होता है ई, ई होता है ई साई, तो साई की जगह पे हमारा क्या है साई इंटू साई एन है, तो ये हम दोनों तरफ के इक्वेशन को लिखेंगे दोनों तरफ के, ये हमारा एल एच एस है और ये आर एच एस है, तो ये समझ में आएगा इक्वेशन सिक्स है। अच्छा अब हम लोग कुछ कंडीशन अप्लाई करने वाले हैं उसको आप ध्यान से समझिएगा, तो आपने ये पढ़ा है कि डेल स्क्वायर जो होता है वो एक तरीके से लैप्लेशियन ऑपरेटर होता है, अब इसके कुछ फॉर्मूले होते हैं उसको हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, तो डेल स्क्वायर डेल अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू इनटू डेल अल्फा स्क्वायर साई साई एन जो होता है उसको हम लिख सकते हैं साई एन, एक मतलब एक बार इस पे इसको हम बाहर लिखेंगे और इस पे ऑपरेट कराएंगे और एक बार साई को बाहर लिखेंगे और साई एन पे ऑपरेट कराएंगे और प्लस टू डेल अल्फा साई लिखेंगे और डेल अल्फा साई एन लिखेंगे, तो ये इसका फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे लैप्लेशियन का ऑपरेटर का। और यहाँ पे आप देखिए इसके इसके जगह पे जो हम लोग इलेक्ट्रॉन के मोशन को कंसीडर करेंगे यानी इस वाले टर्म को, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं डेल आई स्क्वायर साई इंटू साई एन, यहाँ पे हम लोग साई एन को एक तरीके से क्या मान रहे हैं कॉन्स्टेंट टर्म मान रहे हैं, तो बाहर ले लेंगे, तो ये इस तरीके से फॉर्मूला हम लिख सकते हैं, तो ये याद रखिएगा यहाँ पे ये कॉन्स्टेंट माना जाएगा क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रॉन का मोशन देख रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग इसको कॉन्स्टेंट ले सकते हैं और बाहर हम लिख सकते हैं, ये एक कॉन्स्टेंट की तरह बिहेव करेगा यहाँ पे। अब इसको आगे हम लोग देखते हैं, समझिए इसको अब आके आप यहाँ पे,
तो यहां पे देखिए, द इलेक्ट्रॉनिक आइगन फंक्शन साई इज ओनली ए स्लो वेरिंग फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियर कोऑर्डिनेट। हमने जो साई माना था वो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के कोऑर्डिनेट के बीच का था, तो यहां पे ये स्लो वेरिंग फंक्शन होगा न्यूक्लियर कोऑर्डिनेट का, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का इंटरेक्शन को दिखा रहा है। तो इसलिए हम लोग क्या अज्यूम कर सकते हैं कि डेल अल्फा साई जो होगा वो क्या होगा, लेस देन होगा डेल अल्फा साइन से, ये लेस देन होगा। इसीलिए क्योंकि ये हमें पता है साइन जो है वो न्यूक्लियाई न्यूक्लियाई के बीच के कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और साई जो है वो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के, तो इसीलिए ये लेस देन होगा इससे, सिंपल सा बात है। तो क्लियर है भाई, क्योंकि ये हमारा इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का है, ये हमारा न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच का है, तो इसलिए ये होगा। हेंस वी कैन निगलेक्ट द टर्म कंटेनिंग डेल अल्फा स्क्वायर साई एंड डेल अल्फा साई। तो इसीलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ टर्म्स को निगलेक्ट कर सकते हैं, जैसे डेल अल्फा स्क्वायर साई, डेल अल्फा स्क्वायर साई, यानी ये इसके कंपैरिजन में, साइन के कंपैरिजन में हम इसको निगलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे हमारा जो डेल अल्फा साई है इसको भी हम लोग क्या करेंगे, निगलेक्ट करेंगे साइन के कंपैरिजन में। तो ये याद रखिएगा, क्योंकि बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, तो इसलिए हम निगलेक्ट करेंगे। तो बहुत ही सिंपल है, आप कंफ्यूज मत हो। ये देखिए यहाँ पे आगे, तो एसेंशियल एलिमेंट है, यही है बॉर्न अप्रोक्सीमेशन का एसेंशियल एलिमेंट। देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये टर्म जो होगा डेल अल्फा स्क्वायर साई साइन जो होगा वो इक्वल हो जाएगा लगभग साई डेल अल्फा स्क्वायर साइन के, साई डेल अल्फा स्क्वायर साइन के, यानी इस टर्म के। बाकी ये टर्म हमारा निगलेक्ट हो चुका है, और ये टर्म निगलेक्ट हो, क्यों पूरा टर्म निगलेक्ट हो चुका है, क्योंकि ये हमारा निगलेक्ट हुआ था। तो ये जब जीरो हो गया तो ये भी जीरो, और यहाँ पे डेल अल्फा साई जीरो तो ये भी जीरो, तो इसीलिए हमारा क्या बचा, ये वाले पूरे टर्म में क्या बचा, केवल ये बच गया। ठीक है, अब ये वाला नीचे वाला टर्म जो होगा इसको हम लोग साइन डेल आई स्क्वायर साई लिख देंगे, सिंपल सी बात है। तो ये आप इजी, मैं चाहता तो आप इसको डायरेक्ट भी बता सकता था, लेकिन यहाँ पे जो रिलेशन है उसको हम फॉलो करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इनको क्या करेंगे, इन रिलेशंस को सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 6 में। इक्वेशन नंबर 6 यहाँ पे आप देख सकते हैं, उसमें हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, तो आप देखें यहाँ पे हमें क्या मिलेगा। यहाँ पे देखिए डेल अल्फा स्क्वायर साई इंटू साइन, इसी के यहाँ पे हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है ये टर्म हमें सब्स्टिट्यूट करना है। तो हमें मिल जाएगा साई डेल अल्फा स्क्वायर साइन, यानी यहाँ पे हमें मिल जाएगा साई लिख दिया हमने, और डेल अल्फा स्क्वायर, और यहाँ पे साइन मिल गया। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन ही किया गया है, ये पूरे टर्म के जगह पे साई डेल अल्फा स्क्वायर साइन रख दिया गया है, एंड माइनस लगाएंगे फिर हम यहाँ पे, इसको हम एस सच उतार देंगे, और इस टर्म के जगह पे डेल आई स्क्वायर साई इंटू साइन की जगह पे हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे साइन डेल आई स्क्वायर साई। तो साइन जो है हम बाहर लिखेंगे, और इसको हम इस तरीके से लिख देंगे, केवल हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, और इसको हम वैसे का वैसा ही उतार देंगे साई इंटू साइन, और इज इक्वल टू ई साई साइन। बस सब्स्टिट्यूशन किया गया है सिक्स में, और कुछ नहीं किया गया। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, बस हमारा क्वेश्चन, हमारा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गया, जो कंडीशन है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं कि इसको हम लोग कर देते हैं साइन से डिवाइड, किससे डिवाइड कर देते हैं साइन से। तो यहाँ पे माइनस साई साइन हो जाएगा, और बाकी टर्म हमारा ये ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे क्या होगा, साइन से जब डिवाइड हो जाएगा तो ये टर्म बचेगा, तो इसको हम यहाँ पे लिख दिए, और बाहर हमने प्लस लगा दिया, बाहर लाएंगे तो फिर माइनस हो जाएगा, और इन दो टर्म को हमने मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिया VNE प्लस VEE, इसको हमने इस तरीके से लिख दिया। अब आप सोच रहे होंगे साइन कहा गया, क्योंकि हमने साइन से तो सबको डिवाइड कर दिया है, तो केवल क्या बचा, साई बचा है, तो ये हमने लिख दिया। प्लस VNN को हम थोड़ा बाहर लिख देते हैं, VNN साई, और यहाँ पे ई साई बचा। अब साइन नहीं रहेगा क्योंकि हमने डिवाइड कर दिया है, हाँ लेकिन यहाँ साइन रहेगा, यहाँ पे आपका साइन रहेगा, क्योंकि हमने यहाँ साइन लिखा हुआ नीचे ना, इस पे आप थोड़ी ना कर सकते, ये तो ऑपरेटर है। तो इस तरीके से हमने लिख दिया है, क्लियर है। अब द टर्म इनसाइड द ब्रैकेट इक्वल्स दिस इन व्यू ऑफ इक्वेशन 3 एंड 4। अब जो ब्रैकेट के अंदर का टर्म है वो हमारा किसको रिप्रेजेंट करेगा, EE-ψE+VNN-ψE। अब देखिए ये ब्रैकेट का टर्म तो हमारे ये हो जाएगा प्लस VNN ψE, ये हम लिख देंगे। अब ये कैसे हुआ, तो इसको हम लोग इक्वेशन 3 और 4 के हेल्प से लिखेंगे, किसके हेल्प से, इक्वेशन 3 और 4 के हेल्प से लिखेंगे। तो इक्वेशन 3 को आप देख लीजिए पहले, यहाँ पे देखिए ये चीज आप देखिए, ये तो सेम चीज तो दिख रहा है। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मोशन को, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मोशन को। तो इलेक्ट्रॉनिक मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमने यहां पे लिख दिया EE-ψE+VNN-ψE लिख दिया। अब यहां पे इसको हम लोग और सॉल्व करते हैं, तो यहां पे देखिए साइन को हम क्या करेंगे, इधर ले जाएंगे, साइन को हम लोग क्या करेंगे, इधर ले जाएंगे। एक मिनट, हम लोग क्या करते हैं, सिंपली इसको सॉल्व करते हैं पहले। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, यहां पे हम लोग साइन से क्या करेंगे, ऊपर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे साइन से। साइन से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, साइन साइन, और यहां पे साइन मिल जाएगा, और साई से हम क्या कर देंगे, डिवाइड। तो यहां पे आप याद रखिएगा, हमने साइन से मल्टीप्लाई करना है और साई से डिवाइड करना है। जो हम साइन और साई से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, मतलब सिंपली इसको, तो हमें ये पूरा टर्म मिल जाएगा। अब आगे देखिए, अभी मैं समझा नहीं रहा हूं, अभी केवल मैथमेटिक्स बता रहा हूं, अभी समझाऊंगा तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। अब देखिए यहां पे
तो डोंट वरी, आपको सब समझ में आने वाला है, बस केवल समझते रहिए। तो ये मैथमेटिक्स यहां तक समझ में आया। अब आगे देखिए, यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस एच कट स्क्वायर, एच स्क्वायर सॉरी 8 पाई स्क्वायर एम अल्फा डेल अल्फा स्क्वायर प्लस ई डैश प्लस वी एन एन, और यहां पे साइन इज इक्वल टू ई साइन, इसको इक्वेशन 7 ही मान देंगे हम। दिस इक्वेशन यूजिंग 5 कैन बी रिटन एज, इसको हम 5 का यूज करके इस तरीके से लिख सकते हैं। 5 का यूज, 5 कहां पे है चलिए देख लेते हैं एक बार, फिर मैं आपको अच्छे से समझाता हूं कि क्या है एक्चुअल में इसका मीनिंग। तो ये है 5 आपका, ये है 5 आपका, तो 5 का यूज हम करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये एच एन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एच एन। देखिए ये टर्म जो है आपका, दिस एंड दिस टर्म विल बिकम एच एन प्लस ई डैश साइन इज इक्वल टू ई साइन। अच्छा, तो यहां तक आपको समझ में आया 7b। अब इसको समझना है भाई क्या चीज है ये, तो क्या चीज है तो इसको समझते हैं। यहां पे हम दो इक्वेशन को देखेंगे, एक ये 7b को देखेंगे, इसको देखेंगे और 7a को देखेंगे, ये दोनों हो गए, और हम लोग देखेंगे थर्ड या फोर्थ इक्वेशन। तो इसी को देख के आपको समझ में आ जाएगा वॉन ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन क्या है। तो ये है, अब देखिए समझिए, इक्वेशन नंबर यहां पे हम लोग समझने वाले हैं। मैं यहां पे लेता हूं सबसे पहले मैं यहां पे ले रहा हूं ये, एक मिनट, पहले आप यहां देखिए इसको समझ लीजिए। देखिए यहां पे आप किसको सॉल्व कर रहे हैं, यहां पे आप सॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियर मोशन को। किसको सॉल्व कर रहे हैं, न्यूक्लियर मोशन को। भाई ये न्यूक्लियर मोशन का ही प्रॉब्लम है, न्यूक्लियर मोशन को आप सॉल्व कर रहे थे, पहले इलेक्ट्रॉनिक मोशन को आपने सॉल्व किया फिर न्यूक्लियर मोशन को। तो न्यूक्लियर मोशन को सॉल्व किया तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक मोशन का टर्म आ रहा है यहां पे, देखिए आ रहा है। और बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन क्या कह रहा है कि भैया जब आप न्यूक्लियर मोशन को अलोन सॉल्व करेंगे तो आपको इलेक्ट्रॉनिक आइगन फंक्शन का इक्वेशन मिलेगा। तो आपको मिल रहा है ई डैश, मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो ये हमारा सॉल्व हुआ पहला, और हमने पहले ही इसको सॉल्व किया, जब हमने इलेक्ट्रॉनिक मोशन सॉल्व किया था तो हमें न्यूक्लियर कोऑर्डिनेट मिला था। क्या मिला था हमें, न्यूक्लियर कोऑर्डिनेट मिला था। तो ये था, ये है दोनों में, ये है दोनों अप्रोक्सीमेशन का फॉलो होना, ये है दोनों अप्रोक्सीमेशन का फॉलो होना। तो आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर होगा। अभी बहुत सारी चीजें हम समझने वाले हैं, यहां पे आप समझ लीजिए इसको भी, इक्वेशन 3 को देख के। इक्वेशन 3 जो है हमारा, ये है हमारा इलेक्ट्रॉनिक मोशन को सॉल्व करना। देखिए एच ई लिखा हुआ है ना, तो इलेक्ट्रॉनिक मोशन, इलेक्ट्रॉनिक मोशन को सॉल्व करते हैं तो हमें न्यूक्लियर मोशन के टर्म्स मिल रहे हैं, न्यूक्लियर मोशन के टर्म्स जो है, न्यूक्लियर कोऑर्डिनेट सिंपली एज अ पैरामीटर्स, क्लियर है। तो ये पहला बॉर्न अप्रोक्सीमेशन का पैरामीटर और ये दूसरा, दोनों को हमने यहाँ पे फॉलो किया और आपको बताया कि ये कैसे फॉलो होता है। हम लोग न्यूक्लियर मोशन सॉल्व कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक का टर्म मिल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मोशन सॉल्व कर रहे हैं तो न्यूक्लियर का टर्म मिल रहा है, तो ये दोनों फॉलो हो रहे हैं। अब इसको और अच्छे से समझते हैं यहाँ पे। तो इफेक्टिव हैमिल्टोनियन जो होगा वो क्या होगा, इफेक्टिव हैमिल्टोनियन जो होगा वो हमारा इस तरीके से, इसको हम ऐसा लिखेंगे, इट कंटेन्स अ कैरेक्टरिस्टिक आइगन वैल्यू ई डैश, रख रहा है इलेक्ट्रॉनिक वेव इक्वेशन का एज ए पार्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये एक तरीके से पोटेंशियल एनर्जी के पार्ट में रख रहा है, भाई ये काइनेटिक हो गया तो ये दोनों मिला के पोटेंशियल होंगे ना, इस तरीके से रख रहा है। तो इस तरीके से न्यूक्लियर मोशन को डिस्क्राइब कर रहा है। द अदर पार्ट ऑफ दिस फंक्शन इज प्रोवाइडेड बाय न्यूक्लियर इंटरेक्शन टर्म VNN। अब जो अदर पार्ट है वो न्यूक्लियर इंटरेक्शन VNN से दर्शा रहा है। तो बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन जो है वो इनेबल करता है सॉल्व करना मॉलिकुलर वेव इक्वेशन को कंप्लीटली। हम सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से अलोन करके, मतलब अलग अलग करके। तो अब इसको और समझ लेते हैं, बस तीन इसके आपको समझने हैं, मतलब इसके तीन जो आपके लिखे हुए हैं कैसे हमने सॉल्व किया, वही नोट्स आप समझ लीजिए। तो पहला है द इलेक्ट्रॉनिक वेव इक्वेशन 4 फॉर ए गिवन इलेक्ट्रॉनिक स्टेट ऑफ द मॉलिक्यूल इज सॉल्व फॉर ए रेंज ऑफ वैल्यूज। यहां पे आपको रेंज ऑफ वैल्यूज के लिए सॉल्व करनी होगी जब गिवन आपको एनर्जी लेवल्स दिए होंगे। ये जो आपको दिया हुआ है ये आपको अलग अलग एनर्जी के लिए सॉल्व करना होगा, दिया रहेगा वो तो आपको क्वेश्चंस में दिया रहेगा। दिस गिव्स साई एंड ई डैश एज कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑफ न्यूक्लियर कोऑर्डिनेट। इससे आप साई और ई डैश को ऑप्टेन करेंगे। तो ये तो बात समझ में आई, लेकिन बीओ अप्रोक्सीमेशन तो आपको क्लियर ही होगा। अब इसको समझते हैं, हैविंग ऑप्टेन ई डैश को ऑप्टेन कर लिया आपने, तो अब आपको न्यूक्लियर वेव इक्वेशन 7 इज सॉल्व। तो आपको 7 ही सॉल्व करना है, इक्वेशन 7 को सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए दिस गिव्स अ सेट ऑफ एक्सप्रेशन फॉर साइन एंड ई। तो इससे आपको साइन और ई की सेट ऑफ एक्सप्रेशन, मतलब कई सारी वैल्यूज मिलेंगी। ई आर द कैरेक्टरिस्टिक एनर्जीज फॉर द होल मॉलिक्यूल इन द गिवन इलेक्ट्रॉनिक स्टेट। फिर आपको क्या करना है भाई, मैंने आपको बताया है कि कंप्लीट वेव फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, साइन इंटू साइन प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट सिंपल। तो ये है बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन, केवल इन्हीं दोनों सेंटेंस में, इन्हीं दोनों पैराग्राफ में पूरा का पूरा अप्रोक्सीमेशन छिपा हुआ है। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस तरीके से हम लोग मॉलिक्यूल के स्पेक्ट्रम को समझ पाते हैं बीओ अप्रोक्सीमेशन की हेल्प से। भाई डिफरेंट जब अलग तरह की एनर्जी है जो हमें पता होगी तभी तो हम लोग उसके एमिशन या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को समझ पाएंगे। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इस वीडियो में इतना रखते हैं, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।